इसलिए इसमें आलस्यता मत करो, इसमें आलस्यता मत नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ कहते भैया उसको भी त्याग दो, उसको त्याग देने से पहले चलेगा, बोले करना क्या, कहते ज्ञान प्रयास मुद्पा सन्नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतं भवति। तो कहते हैं जो शुद्ध जो वैष्णव है उनकी मुखार बिंद से भगवान की कथा रूपी मंदाकिनी की नदी जो बहती है उसमें स्नान करते रहो, उसमें गोता लगाते रहो, कथा सुनते रहो, हैं कथा सुनते रहो। जो कथा सुनोगे ना तुम्हारे ज्ञान अपने आप होता है, सारे सिद्धांत तत्व जैसे हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जो वो मथुरा में रहते थे, अगर उनको कथा को कोई केवल ध्यान से सुन ले और कुछ भी करने का जरूरत, एक मन से जो कथा करते थे थोड़ी सी मन लगाकर कथा सुन लो ना, वाह बड़े से बड़े भगवान महाराज जी के पास जो लोग अभी कथा सुना रहे कैसे, केवल गुरु जी की कथा सुनते 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 बड़े बड़े सबके सब बड़े बड़े भक्त ज्ञानी बन गए। इसलिए जब हम कथा सुनते रहेंगे कथा में सारी भगवान की कथा में सारे ज्ञान भक्ति कथा मिल जाएगी, भक्ति युक्त ज्ञान। इसलिए सन्मुख रीतम भगवीवासम भक्तों के मुखारविंद से जो कथा बोले सन्मुख रीतम भगवीवासम, बोले किसकी मुँह से कथा सुननी चाहिए, क्या सबकी मुख से कथा सुननी चाहिए, नहीं। इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं ये कान भी जो जोड़ा है ना सबको मत दिया करो, वो मना करते हैं। बोले क्यों, बोले जिनको संबंध ज्ञान नहीं, जिनको संबंध ज्ञान नहीं अगर उनसे अगर तुम कथा सुनोगे तो स्वयं भटक जाओगे। इधर उधर जो अब देखना भागवत में जो कथाकार बड़े बड़े कथाकार हैं वो स्वयं जिनका दिमाग भ्रमित है, कभी आज इसी देवता को कल शंकर जी को कल ब्रह्मा जी को कल वो सारा दुनिया उल्टा पलटा, जिनको भगवान का साथ में जो पक्की संबंध है ही नहीं, कृष्ण तत्व क्या उनको पता ही नहीं, अगर वहाँ से कथा सुनोगे ना बस गड़बड़। इसलिए कथा किससे सुननी चाहिए, सन्मुख से बोले भगवान की भक्तों से जिनकी संबंध ज्ञान पक्की है वहाँ से कथा सुना। और कथा कैसे है, सुखदेव गोस्वामी जैसे 16 साल तक रहने 16 साल तक कोई बात ही नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने मुंह एक बार खोल दिया ना 7 दिन तक उन्होंने मुँह ही सुनने नहीं किया, 7 दिन तक कंटिन्यू उन्होंने कथा ही सुनाते रहे। क्यों, मतलब भगवान की कथा में इतने आनंद है, कृष्ण कथा में इतने रस है, उसमें इतने आनंद है जो मूक व्यक्ति को भी पाचाल बना देता है, मूक व्यक्ति को भी पाचाल बना देता है भगवान की कथा। इसलिए सन्मुख ही तब भवदीय वार्ता, मतलब किसकी कथा सुननी चाहिए, मतलब दो व्यक्ति की कथा सुननी चाहिए, कौन कौन, एक तो भगवान और एक उनकी भक्त, भक्त और भगवान दोनों की कथा, एक कथा नहीं दोनों की कथा सुननी चाहिए। जैसे भागवत में देखो भक्त छोड़ करके भगवान भी नहीं और भगवान को छोड़ करके भक्त, अगर उसमें भागवत देखना ज्यादा से कथा जिसकी आती है ना भक्तों की कथा, भगवान की कथा तो आती है लेकिन भगवान की कथा से ज्यादा, जैसे ध्रुव जी का चरित्र सुनो, ध्रुव जी की कैसे भजन क्या किया सब करते करते लास्ट में भगवान दर्शन दिया इतना, और उसके बाद नहीं। श्री नारद जी की कथा सुनो, देखो नारद पूरा नारद नारद चरित्र है लेकिन भगवान की कथा थोड़ी सी झट दर्शन दे दिया बस हो गया। प्रहलाद की कथा सुनो, प्रहलाद प्रहलाद पूरा उनका चरित्र लास्ट में नरसिंहदेव प्रकट हो गया, फिर जितने भगवान की कथा उससे ज्यादा किसी की कथा सुना भक्तों की, मतलब क्यों, बोले जब भक्तों की कथा हम सुनते हैं कैसे उन लोगों ने साधन भजन किया, भक्ति उन्होंने कैसे की, ये चीज़ हमारे ऊपर में बड़े प्रभाव डालता है, बड़ी प्रभाव डालता है। इसलिए भगवान की कथा से भक्तों की कथा से ज़्यादा भक्ति हमारी पक्की होती है। इसलिए कथा दोनों की सुननी चाहिए, एक भगवान की कथा और एक भक्त की कथा, दोनों की कथा सुन भवदीय वार्ता है, बोले स्थानीय स्थितम, बोले भैया कहाँ पर रहकर कथा सुननी चाहिए, किसी व्यक्ति को बोल बोलते भजन करो, बोले अभी समय नहीं है, बोले क्यों, तो बेटा की शादी नहीं हुई, बेटी की शादी नहीं हुई, उनको लिखाना पढ़ाना उनको बड़ा बनाना, जब सब कुछ सेट कर देंगे ना, जब सबको हम सेट कर देंगे फिर तो हम भक्ति करेंगे,
लेकिन भैया संसार में तो सारी चीज में सेट, बेडरूम में सेट, किचन में सेट, डाइनिंग रूम सेट, केवल मनी अपसेट। सब चीज का हमने सेट कर दिया लेकिन मनी केवल अपसेट, मनी अपसेट है। अभी तक तो दुनिया में कोई सेट हो पाए, कोई सेट हो, अभी तक तो कोई दुनिया में सेट हुए है? कोई भी जगत में सेट नहीं हुए। इसलिए यहाँ पर कहते भैया भगवान जिस अवस्था में तुमने रखे वो अवस्था को जीवन का सबसे बढ़िया अवस्था समझो। समझो अभी जो स्थिति है जीवन में सबसे बढ़िया स्थिति, आगे अगर बढ़िया स्थिति आएगी तभी जब भजन करोगे, बगैर भजन के बढ़िया स्थिति कभी आगे आ ही नहीं सकती है। ये आपके बात दूसरी अर्थ विश्वनाथ चौथ हम कहते हैं ज्यादा इधर उधर मत घुमा, ज्यादा घूमना वो कहते बैठो ये मन घूमते नहीं जाएगी, आज ये तीर्थ में जाएगी कल वो तीर्थ में जाएगी कल वो तीर्थ में जाएगी कल वो तीर्थ, तुझे ज्यादा घुमा मत। बोले कहाँ प्रस्थाने, प्रस्थाने मतलब जहाँ पर भगवान की शुद्ध भक्त रहते हैं, जहाँ पर उनकी मुखार विंद से आपकी कथा रूपी गंगा की नदी बहती है वहीं प्रार। इसलिए भक्तिवर ठाकुर कहते हैं मैं तुम्हें तीर्थ सदा करता, तो मन बड़ा भगवान है, हर तुम्हें तीर्थ 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 घूमना चाहते हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी काशी अयोध्या, क्यों जो मुक्ति लाभ परिवार से मुक्ति पाने के लिए। तो वो कहते हैं कि सकल तव भ्रम निरर्थक परिश्रम चित्त स्थिर तीर्थ नहीं करे। भैया जितना तीर्थ में घूमने का मन उतना ही चंचल होता है, ये तीर्थ घूमने से मन स्थिर नहीं होता बल्कि ये मन भटक से रहता है। बोले रहे कहाँ, बोले यथा साधु तथा तीर्थ, तीर्थ और सही नहीं जहाँ पर साधु है वहीं पर तीर्थ है। स्थिर कर लीजिए चित्त, अपना चित्र को स्थिर करके भगवान की कथा भी गंगा जी में उसी भी बोता रहा है। इसलिए स्थानीय स्थितम श्रुति गतांग तनुवांग मनीधी, मैंने जो कथा सुने कैसे कथा सुने, मैंने तीन चीज को तरह कथा सुने, कितने चीज को कहा कैसे काय मन, पहले कथा तो कान से सुनते हैं नहीं तो मन से सुनते हो, लेकिन यहाँ पर कहते काय बोले कथा शरीर से सुना, बोले शरीर से कथा कैसे सुने, नहीं जैसे शरीर है बैठे तभी तो कथा सुन रहे हो, इसका मतलब कहते हैं जहाँ पर कथा होती है ऐसे जाकर झट मत बैठ जाएगा, पहले जाकर के प्रणाम करो इसको स्थान को, फिर जहाँ पर कथा होती है कहते सर्वाणी तीर्थानी बसंती तथा यथा छुता दर कथा, जहाँ पर भगवान की कथा हो रही है उस स्थान स्थान बड़े पवित्र है, ये स्थान बड़े पवित्र है, हैं इसलिए स्थाने इसलिए वो स्थान को नहीं जान से बंद कर आवाज ना तुम स्थान अरे नहीं जरूर कौन कर, इसलिए बोले तन तन मतलब होता है शरीर, पहले कथा स्थली को कथा जो सुनाते हैं और जो कथा सुनते हैं सब को जाकर के प्रणाम करो, और जो कब तक प्रणाम कथा सुनेंगे बोले शुरू से लेकर के लास्ट, शुरू से लेकर के लास्ट तक सुनो जिलकान बाम मनोजी। बोले भैया कथा तो सुने बोले बाम मतलब वाणी, बोले मतलब क्या, बोले कथा सुने क्या यही खत्म कर दे, बोले नहीं जो कथा सुनते हो दूसरों को भी घर में जाकर के दूसरों को अपना बच्चों को जो कथा में नहीं आए उनको भी जाकर कथा सुना, क्योंकि उनको भी सुनाओगे उनका भी कल्याण होगा, जिसको सुनाओगे उनका भी कल्याण होगा। इसलिए राधा रानी करके पूरी कहा जगत में सबसे बड़े दादी कौन है जो भगवत माया सुनाते हैं, इसलिए दूसरों को भी जा करके सुनाया करो। कीर्तन बाल मनो भी भगवान का एक नाम अजित मतलब क्या है, बोले जिनको पाना बड़ा कठिन है, जिसको जितना बड़ा कठिन है जिनको पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जारी निरंतर ग्रामे हैं यद्यपि समाधि सुधिरपि सरस्वति न तव नभा, ब्रह्मा भी ध्यान करके जिनकी चरण की छठा को भी दर्शन नहीं कर पाते ऐसे भगवान, इसलिए उनका नाम अजीता।
सुनना बड़ा कठिन, लेकिन क्या उसका मतलब भगवान मिलेगी? उनका नाम है जगी थी ना, मतलब जिनको जितना पालना बड़ा कठिन है, फिर क्या भगवान मिलेंगे नहीं भगवान? बोले नहीं, बोले प्रायस, प्रायस मतलब प्राय करके भगवान को पाना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने जो बात बताई, अगर ऐसे अगर अपना जीवन को बिताओ ना, वो अजीत होने पर भी नहीं है। वो अजीत होने पर क्या सबसे भगवान जिस स्थिति में रखे उसे किसी में भजन कर, संतों की शरण में रह करके काय मन वाक्यों के द्वारा भगवान और उनके भक्तों की कथा सुना, सारे अभिमान को परित्याग करके भगवान की कथा सुना, कथा सुनने से वो अजीत पर भी वो जीत जाएंगे, उनको रोग प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी इसके द्वारा ये कह रहे हैं, अगर भगवान को पाना चाहते हो ये सूत्र को पकड़ो। अगर ये सूत्र को अगर पकड़ लोगे ना, और उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण साधु संघ की सबसे ज्यादा, इसलिए कहते हैं साधु संघ साधु संघ सर्व साधु के द्वारे लव मात्र साधु संघे सर्व सुखी है। मैंने भक्तों का संग भगवत कथा ही हमें अगर भगवत प्राप्ति कराएगा, भगवत प्राप्त कराएगा। इसलिए श्री रघुगण महाराज कहते हैं, भरत महाराज रघुगणी तपस्या, तपस्या से भगवान नहीं मिलेगी, न जाति, जाति से भगवान नहीं मिलेंगे, न इज्जत या व्यापार से नहीं मिलेगी, न विद्वाप ना गृहत्व घर छोड़ने से नहीं मिलेगी, नई वर्ग्नि जल अग्नि की पूजा करने से नहीं मिलेगी, वेद पढ़ने से नहीं मिलेगी, सब चीज को नहीं 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 करेंगे। मिलेगी कैसे? एक उपाय है, बिना महत्व जब तक किसी महान पुरुष की शरण में नहीं जाते कथा नहीं सुनते, भैया जो कुछ करने पर भगवान नहीं कर ले, नहीं सबसे सरल उपाय है भक्तों का भक्तों की कथा रुपये मजाक में गोसा लगाना की सबसे ठीक है। और भगवान के लिए